देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मैं दिवांश जी, मैं थोड़े कोल ही हां। कुछ बोलने की लोड़ नहीं है। मैं इस हालत दे विच दिवांश जी कोलों किवें पुछा ममता मां दे बारे च। नयन, मैं जानदा तेरे मन च यही सवाल होएगा कि मैनू एकदम तो ममता मां किदा नजर आ गए, उन्होंने मेरे नाल की गल्लां कीतियां। नयन, सिर्फ तेरे मन च नहीं बल्कि सारे घरदियां दे मन च यही सवाल होएगा। नहीं दिवांश जी, ये तो ज्यादा खुशी दी गल होर की हो सकती है कि ममता मां ने तुहाडे सामने आके तुहाडे नाल गल कीती है। मैं तो थानू पहले ही कहा सी ममता मां जैस मैनू पसंद नहीं करते, पर तुसी मेरी गल नहीं मन्नी। पर चलो, हुण तां ममता मां ने आप आके थानू कह दिता ना, फिर मैं सवाल चक्कण वाली कौन हुंदी है। तुसी फिलहाल बस आराम करो, डॉक्टर ने कह दिमाग ते ज्यादा जोर ना पाओ, सोचो ना। नयन, कि तू सच सुनना नहीं चाहेंगे? दिवांश जी, फिलहाल इना गल्ला ता समा नहीं है, ये गल्ला ता आपा मुड़के भी कर सकते हैं ना। तुसी पहला ठीक हो जो। जे मैं तेनु कहां कि मैं ममता मां बारे सच दसना है, फिर भी नहीं। ये दिवांश जी ममता मां बारे की कहना चाहते सी, दसो दिवांश जी की गल है, ममता मां ने थानू की क्या है? नयन, मैनू कहंदे तां तां दना जद मैनू नजर आंदे, मैनू ममता मां नजर नहीं आया। दिवांश जी, ऐसा कितना हो सकता है? असी पूरे परिवार ने थानू सुनिया, तुसी ममता मां नाल गल कर रहे सी, फिर तुसी कितना कह सकते हो कि तुसी ममता मां नू नहीं देखिया? वो सब मैं जान पूछ के कर रहा सी नयन, वो सिर्फ ड्रामा सी। नयन, दिवांश नू ते आज ममता नजर आ गई, यो तैनु भी नजर आई? ये कितना हो सकता है नयन? मां नैना देवी दी कृपा दृष्टि तेरे ते है, दिवांश ते नहीं। ते जे तू उन्हूं नहीं देख सकदी ते दिवांश किदां देख सकदा है? नयन, जो लोग इस दुनिया चों जा चुके ने उन्हां नूं सिर्फ तू देख सकदी है, और कोई नहीं। उन्हां नाल गल करन लई माता राणी ने तेनू चुनिया, मैनू नहीं। बिग ब्रो, एक्शन का टाइम आ गया, हुण देखना मैं अपनी ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दे नाल ना किवें सब नूं बेवकूफ बनाउनी आ। बुआ जी, बुआ जी, ए, ए, सब की हो गया, मेरे दिवांश नू की हो गया? बारो जिन्ने मर्जी ड्रामे कर ले जैस्मिन, पर अंदरों तो की है ना उस सब नू पता है। तुसी सब मेनू मंडप च कल्ले छड़ के क्यों आ गए? ये दिवांश मेरे कुछ नहीं लगते, मेनू नाल लेके क्यों नहीं आए तुसी सब? खैर, दिवांश हुण किद्दां ने, ठीक ने हो? जैस्मिन, घबराउण वाली कोई गल नहीं है, दिवांश नू होश आ गया है। किथे ने दिवांश? मैं हुणे उन्हां नू मिलना, मैनू उन्हां कोल लै चलो, किथे ने? नहीं, फिलहाल तुसी उन्हां नू नहीं मिल सकदे। की मतलब है? मैं क्यों नहीं मिल सकदी? मैं दिवांश दी होण वाली वाइफ हां, ते मैं तां उन्हां नू मिल के रवांगी। तुसी उन्हां दी होण वाली वाइफ हो, पर इस वेले
दिवांश वीर जी अपनी एक्चुअल वाइफ दे नाल। सो तुसी उन्हां नूं नहीं मिल सकदे? नयन ते दिवांश दे नाल जे ओह दो कौड़ी दी नौकरानी दिवांश नूं मिल सकदी है ना, तां मैं वी मिल सकदी हां। मैं दिवांश नूं जरूर मिलांगी। नर्स, दिवांश खुराना दा रूम केड़ा है? इट्स ओके जैस्मिन, मैं तैनू दिवांश को लेके चलदी। चला दिवांश जी, तुसी ये सब कुछ जान पूछ के क्यों कीता? नहीं नहीं, बहुत ही अफसोस की गल है कि तू हुणे भी मैनू समझ नहीं पा रही, क्योंकि जे समझ पाती ना तो तू ये सवाल ना कर दी। नैन, मैनू पूरी उम्मीद से कि तू शमशेर जी नू लिया के इस विआह नू रोक देंगी, पर जब मैं तेरे प्लान नू फेल होंदे वेख्या ना तो मैनू ये सब करन तो इलावा कुछ होर नहीं सुझिया, क्योंकि मैं जानदा सी जैस्मिन ते मेरे विआह तो बाद मम्मा ते पुआ जी तेनू घरों कढ देणगे। मैं तेनू उस सिचुएशन च नहीं वेखना चाहुंदा सी। दिवांश जी, तुसी इन्ना सब कुछ सिर्फ मेरे लिए कीता, तुसी मेरे करके इन्ना वड्डा खतरा अपने सिर लिया। जे मंडप च तुहानू कुछ हो जांदा दसो मैनू कित्थों मिलना सी तुसी? तुहानू पता है मैनू बचाण दे चक्कर च तुसी अपने सिर ते इन्नी वड्डी सट लगवा ली, जिहदे नाल तुहाडा ऑपरेशन करना पिया। तुसी मेरे लिए इन्ना वड्डा रिस्क क्यों लिया? नयन, तू एक बार नहीं बल्कि हुण तक कई बार मेरी जान बचाई है, फिर जद हुण तेनू मेरी लोड़ सी मैं किद्दां तेनू कला छड़ दिंदा? नाले नयन, मैं चंगी तरह जानदा जे उस वेले बुआ जी तेनू घरों बाहर कढ देंदे ना तां किसी ने तेनू सेव नहीं करना सी, इसलिए तेनू ना जान देण लई मैनू जान पुछ के अपने आप नू सट लवानी पई ताकि मैं इस विआह नूं रोक सकां। नाले नयन, हुण तक जो कुछ तू मेरे लिए कीता है उहदे सामने तां सब कुछ भी नहीं। हाँ, वो गल वखरी है कि कुछ ज्यादा ही जोर दी लग गई, पर मैं भी की करता, उस वेले मेरे दिमाग ही सिर्फ तू ही चल रही सी। मेरे आप जी कुड़ी ली ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਨੇ ਨਯਨ ਲਈ ਐਸਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਦਿਵਾਂਸ਼, ਨਯਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਦਿਵਾਂਸ਼, ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਚ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ? ਹੁਣ ਭੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂ? ਮੇਰਾ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸਭ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ?
असि तेरा हाल पुछिए ना पुछिए देवांश, की फर्क पैंदा तेनू? तेनू सिर्फ इस नौकरानी तो मतलब है? ए ता कुछ दसनो रहा, तू ही घट्टो घट कुछ दस दे, की कीता इन्हें तेरे लिए? जिन्हें अन्ने बुआ जी तो डर के उन्होंने यह दस दिता कि मैं मंडप च ममता मां नूं वेखण दा ड्रामा कीता सी, फिर मैं की करांगा? बोल नयन, की कीता तेरे लिए देवांश ने? देवांश मालिक ने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ कीता है। पर इन्होंने जो आज मेरे लिए कीता है ना, ओदा कर्ज मैं पूरी जिंदगी नहीं उतार सकती। तुसी आप ही सोचो, मेरे लिए इस तो वधिया गल होर की हो सकती है? अज इन्ने वड्डे ऑपरेशन तो बाद देवांश मालिक ने सब तो पहला मेरा नाम लिया है। मैं इसलिए इन्हें दी शुक्रगुजार हाँ कि चाहे मैं एक नौकरानी हाँ, पर घर च होर भी बहुत नौकर ने। मैं खुश नसीबा कि अज जरूरत पैण ते उन्होंने सिर्फ मैनू याद किया है। एक नौकरानी होने के नाते इस तो वड्डी इज्जत मेरे लिए होर की हो सकती है? अज तो दिवाश मालिक की सेवा करना ही मेरा सब तो पहला फर्ज होएगा। क्योंकि यह जिम्मेवारी इन्होंने खुद मैनू सौंपी है। तेनू नहीं लगता देवांश कि सब तो पहला तेनू इस नौकरानी का नहीं बल्कि जैसमिन का ख्याल आना चाहिए सी? इस नौकरानी नू ड्यूटी देने तो पहला तू एक बार भी जैसमिन बारे नहीं सोचा? जेड़े मंडप च ये तेरी वाइफ बनने वाली सी ना, उसे मंडप च इन्हें तेनू जख्मी हालत च देखे, ये दिल ते की बीती हो सोचा तू देवांश? हुण इस बेचारी का की होएगा? हाँ की गल्लां करदे होणगे इहदे बारे, इहदी किस्मत नू कोस रहे होणगे? ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੋਚਿਆ ਤੂੰ? ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਵਾ ਦਵਾਂ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਦੀ ਸਿੰਪਥੀ ਲੈਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਮਨਹੂਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ। मैनू नहीं पता सी देवांश कि तुहाडियां नजरां च मेरी औकात नौकरा तो भी घट है। हुण लोग मैनू मनहूस ते नैश कहणगे। कोई तैनू अपनियां खुशियां च शामिल नहीं करेगा। सबनू लगेगा कि मैं मंडप चो छड्डी होई कुड़ी हां। पर तुहानू मेरी फिक्र करन दी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुहानू तां मेरे नालों ज्यादा इस नयन की इज्जत की फिक्र है ना। तुसी हुण इस नयन तो ही अपनी सेवा कराओ। आई एम सॉरी दिवांश कि तुहाडी इस हालत तो बाद भी मैं तुहानू ये सब कुछ किया, पर मैं की करा? यू कांट इमेजिन हाउ हर्ट आई एम। मैं लगता है कि हुण मैनू सब कुछ छड़ के चले जाना चाहिए। वैसे भी जेकर तुहाडे दिल च मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है तो मैं इत्थे रुके की करांगी? कितनी सही कहती सी, मैंने सुसाइड ही कर लेना चाहिए। मेरे जीन का हुण कोई मकसद नहीं है। जेकर तुसी मेरी लाइफ च नहीं हो ना देवांश,
ते मेरे जीन दा की फायदा? रुक जैस्मिन, किथे चली है तू? तू किते नहीं जाएंगी? ते ऐदां दी कोई गल नहीं है, खबरदार जे तू ऐदां दी कोई गल सोची भी तां तू इत्थे ही रुक। नहीं बुआ जी, मैं जान तो मैं लगता है कि मैं अपने घर ही चले जाना चाहिए। वैसे भी इत्थे रुकन दा मेरे तो कोई मकसद तो है नहीं। जैस्मीन ये सब ड्रामा इसलिए कर रही है ना ताकि वो दिवांश जी का ध्यान अपने वल नू खिंच सके ते अपने आप नू मनहूस कह के दिवांश जी नू दोषी महसूस कराना चाहती है। किथे चली है तू? मैं एक बार कह देता ना तू किते नहीं जाएंगी, चुपचाप इत्थे रुक। ते हाँ, तू की सोचा? तू तू इन दोनों का विआह तोड़ दिता? जैस्मीन का विआह होके रहूगा ते ओ भी दिवांश नाल। दिवांश नू ठीक होन दे, उस तो बाद इन्ना दोनों दे व्याह दा मंडप एक बार फिर तो सजूगा। दिवांश फिलहाल तू रेस्ट कर, आपा इस बारे च ना बाद च गल करांगे। पर हां एक गल मैं जरूर कहना चाहूंगी, मैनू ना सारी जिंदगी अफसोस रहा है कि मेरी कोई अपनी औलाद नहीं है। मैं इंडिया भी शायद इसे करके नहीं आई कि लोगों ने मैनू बहुत ताने मारने हैं, पर जो मैं जैस्मीन नू देखा ना तो मैनू फील होया कि शायद जी मेरी अपनी धी होंगी ना तो बिल्कुल जैस्मीन वर्गी होनी सी। बस उस दिन तो मैं इनू अपनी धी मान लिया ते हुण इहदा घर वसाण दी जिम्मेदारी हुण मेरी है। मैं इहदी इज्जत ते कोई भी दाग नहीं लगन देऊंगी, बिकॉज आई लव हर अ लॉट। इसलिए जदों तक तेरा ते जैस्मीन दा विआह नहीं हो जांदा उदों तक जैस्मीन इसे घर च रहूगी। मेरी मां तो पहले ही मेरे तो दूर चले गए सी, पर रब ने ना तुहाडे रूप च मैनू एक बार फिर तो मां दिती। दिवांश ते छड्डन तो बाद तां मैं बिल्कुल कल्ली हो गई सी। अजिही सिचुएशन दे विच कुड़ियां नूं मां दा ही सहारा चाहीदा हुंदा है ना, ते तुसीं उह कमी पूरी कीती है। मैं खुद नूं बहुत लक्की फील करदी हां कि तुसीं मेरी लाइफ च। आई रियली वॉन्ट टू थैंक गॉड कि उन्होंने तुहानूं मेरी लाइफ च भेजिया। अपने नाल नाल हुण मैनू भी इमोशनल ना कर। तुसी चाहे मेरी मां नहीं हो पर तुसी मैनू मामा तो भी वध प्यार दिता। एक्सक्यूज मी मैम, तुसी प्लीज पेशेंट नूं ज्यादा डिस्टर्ब ना करो ते प्लीज एक मिनट बाहर जाओ, असी पेशेंट दी MRI कराउण लई MRI रूम विच लेके जाना है। Thank you.
कित्थे चली है? थोड़ी देर तो रुके थे। मेरा चाहे दिवांश दे नाल ब्याह नहीं होया, पर देख तू मैनु इस घर तो कढ़वा नहीं सकी। सो मेरी मन तू चुपचाप ना हार मान ले, ते मेरे ते दिवांश दे रस्ते तो हट जा, नहीं तो मेरे तो बुरा कोई नहीं होएगा। क्योंकि दिवांश नो पाउण दे लई ना मैं कुछ भी कर सकती, कुछ भी। तू देखिया नहीं कि किवें मैं किन्ने आराम दे नाल अलका बुआ दे मूँह मेरे ते दिवांश दे ब्याह दी गल कढ़वा ली। सो मेरा ते दिवांश दा ब्याह तां हो के ही रहेगा।